जो कल उसने आने असल वेलकम बैक एक छोटी सी ब्रेक थी बहुत बहुत शुक्रिया आपको वापस हमें ज्वाइन करने का इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमारे पास आज बैरिस्टर जीशान मियाँ आए हुए हैं uh, जो कि uh, इस फील्ड के अंदर प्रॉपर्टी फ़ील्ड के अंदर स्पेशलाइज uh, करते हैं इन टर्म्स ऑफ लिटिगेशन इन टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट्स इन टर्म्स ऑफ नो हाउ बोथ फ्राम अ कन्वेंशनल पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो फ्राम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू आज हम लोग बात कर रहे हैं काफ़ी डाइवर्स बड़ी जनरल किस्म की बात कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग टच कर रहे हैं प्रॉपर्टी लॉ के ऊपर भी हम लोग थोड़ा सा टच कर रहे हैं इनहेरिटेंस लॉ के ऊपर भी इनहेरिटेंस लॉ के ऊपर मैं इसलिए जान के टच कर रहा हूँ क्योंकि अगले हफ्ते हमारे पास एक एक्सपर्ट एक आ रही हैं जो कि आपसे सिर्फ बात करेंगी विल्स की आपको बताएंगी कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो दैट विल भी क्वाइट इंटरेस्टिंग बल्कि अगले हफ़े आप लोग ज़रूर ट्यून इन करना और अगर आपके कोई भी सवालात होंगे तो आप उनसे ज़रूर पूछना आप लोग बल्कि उनको जानते भी हैं तो इन शाह फिर से आपकी मैं मुलाकात उनसे करवाऊँगा हम लोग बात कर रहे थे इनहेरिटेंस टैक्स की और इस्लामिक लॉ की भी बात कर रहे थे और आपने बड़े इंटरेस्टिंग हमें कुछ बताए हैं कि कहाँ टैक्सेशन पड़ती है कहाँ नहीं पड़ती अगले हफ्ते हम लोग इसी चीज़ को बताएंगे कि हाउ कैन वी सेव दैट टैक्स इज़ वल ठीक है ना जी तो वो हाउ टू राइट अ विल हाउ टू डू द प्रोबेट्स एंड सो सोनस सो फोर्थ तो वो तो सारा कुछ हो गया अब आप मुझे थोड़ा सा जरा इसके ऊपर आप बताएं कि फ्रॉम एन इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू हु गेट्स वॉट अगर आप चाहेंगे कि भाई यार मैं एक विल uh, uh, जो भी बनाऊं वो अकॉर्डिंग टू शरिया हो तो वॉट बेटी को क्या मिलेगा बेटे को क्या मिलेगा बीवी को क्या मिलेगा एंड सो सोनस सो फोर्थ वॉट इज द राइट वे अराउंड दैट Uh, Actually, uh, if we have time, I can just share a small story, interesting please, one. Please, please. Uh, a Jew scholar became Muslim, and his colleague was saying, "You are very critical of Islam, and how come you just converted to Islam?" And this uh, professor, who was critic of Islam, said, "Look, uh, I just uh, was studying Islamic law of inheritance, and I was amazed to see that Islam just uh, gives the rights to everyone." In three short passages, and uh, his friend said it's not possible. You can write books and books on who gets what after a person dies. Said, okay, here are three ayahs of Quran. Every one is mentioned in in those ayahs briefly and uh, comprehensively, and you cannot go outside. And so I was so much amazed that this cannot be perfectly more perfectly explained than this one, and I became Muslim. Alhamdulillah. ठीक है तो जैसे मैं पहले बता था इस्लाम में इस बिल मस्ट है ऑब्लीगेटरी है इस तरह आप मैं आपको ये ब्रीफली बताता हूँ अब आप मुझे बताएं आप प्रेफर करते हैं उर्दू में सुनना कि इंग्लिश में सुनना आप उर्दू में हमें बताएं। ठीक है और इंग्लिश में हम इसको थोड़ा सा समराइज़ कर देंगे बाद में ठीक है ए, सुर, <coughs> सुर निसा की मैं पढ़ूँगा पहले आयत फोर सीरत नसर सूरत सूरत नंबर फोर है आयत नंबर यारे इलेवन ठीक है या अल्ला तुम्हें औलाद की विरासत के बारे में हुक्म देता है लड़के के लिए दो लड़कियों के बराबर हिस्सा है गर्ल गेट हाफ़ ऑफ द बॉय और अगर सिर्फ लड़कियाँ ही हों तो दो या दो या दो से ज़्यादा तो इनके लिए इस तरह का दो तहाई हिस्सा है इफ़ यू ओनली हैव डॉटर दैन यू डॉटर गेट टू थर्ड अगर वो अकेली हो तो उसके लिए आधा हिस्सा है और और मोरिस मोरिस द पर्सन हु डाइट उसके माँ बाप के लिए मोरिस के माँ बाप के इन और इन दोनों में से हर एक को तरके का छठा हिस्सा मिलेगा वन सिक्स गोज़ टू पेरेंट्स और एनी एनी ऑफ द फादर और मदर ठीक है अगर उस मोरिस की कोई औलाद ना हो और उसके वारिस सिर्फ इसके माँ बाप हो, हो तो उसकी माँ के लिए इत्तहाई है

ओके बट यू नो इट्स वेरी स्पेसिफिक वेल अल्हम्दुलिल्लाह और ये 1400 साल पहले हाँ जी और यहाँ आप ये भी देखें कि ख़वातीन को क्योंकि यू you नो know, एक बड़ी मिसकंसेप्शन भी है आ, ये वेस्टर्न वर्ल्ड को कि औरतों को क्यों आधा मिलता है मर्द को मर्द से आधा क्यों मिलता है ये एक बड़ी मिसकंसेप्शन है

फॉर ईच एंड एवरी पनी ही स्पेंट्स वो जाके जूते और जराबे नहीं ख़रीद सकता या सूट नहीं ख़रीद सकता या कपड़े नहीं ख़रीद सकता उस पैसे के साथ क्योंकि वो जवाबदेह हैं अल्लाह ताला के सामने जो ख़ीन हैं जो उनको इनहेरिटेंस मिलती है उसका कोई जवाब नहीं है वो जाके चाहे वो ज़मीन में गाड़ दें या इधर खर्च दें या उधर ख़र्च दें वो जवाबदेह नहीं है लेकिन एज अ मैन you have an obligation to your mother you have an obligation to your sister all obviously all your children your, of your wife yeah. actually even your extended family to a certain yeah. degree आपने ये भी तो सुना होगा कि चालीस नेबर इस तरफ वाले तरफ। नेबर्स के राइट्स तो नेबर के राइट्स भी तो एवरीबॉडी हैज अ राइट अच्छा तो कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दिस आयत ऑफ नंबर 11 सूरत uh, नंबर 4 इज के जो अल्लाह ने जो आपके लिए तकसीम مقرر की है ये आप पे फर्ज है आप इसको वेरी नहीं कर सकते आप ये नहीं सोच सकते कि अब मैं टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन में रह रहा हूँ तो मैं दोनों को इक्वल शेयर दूंगा अगर आप ऐसे करते हो यू आर गोइंग अगेंस्ट द कमांडमेंट्स ऑफ अल्लाह एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू डैट क्योंकि अगर एक एक चीज़ पे कुरान का हुक्म आ गया आप उस पर वेरिएशन नहीं कर सकते इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे एज मुस्लिम और इफ़ यू वॉन्ट टू डाई एज अ मुस्लिम ठीक है अलहमद ला ठीक ओके अब हम देखो ये थे इमिडियट फैमिली मेबर्स आप अगली हम जाएंगे आयत नंबर बारह पे ठीक है सेम सूरा सूरा निशा सूर्य नंबर फोर और तुम्हारे लिए ए, इस माल का आधा हिस्सा है जो तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए छोड़ जाए ओके okay. ठीक है बशर्ते के, के कोई औलाद नहीं है उनकी कोई औलाद नहीं है तो आप आपका आधा हिस्सा है ठीक है अगर उनकी कोई औलाद हो तो आपका फिर चौथाई वन फोर्थ हिस्सा है ठीक है और वो भी सारा कर्ज़ कर्ज़ की अदायकी के बाद ठीक है और उसके बाद अजी के और आई थिंक एसेंस हेयर इज़ के कर्ज जो है वो इट इज़ एन ऑब्लिगेशन कि आप अगर हाँ। आपने किसी के पैसे देने और कर्ज के बारे में हदीस है कि अगर एक बंदा फ़ोत हो जाता है मुसलमान फ़ोत होता है तो उसकी जरूरतमी और समान के दरमियान मलक रहती है क्योंकि उसने कर्ज़ देना होता है और नबी पाक का आगे कॉल है कि अगर कोई मुसलमान फ़ोर्थ हो जाता है और उसके वर्षा उसका उसको उनको नहीं मालूम होता कि उसका कर्ज़ था और वो नहीं दे सकते तो उस मुसलमान का कर्ज़ मेरे ज़िम्मे मैं दूंगा ताकि उसकी बख्शिश हो सके कर्ज की वजह से उसकी जान ना लटकी रहे दरमियान में सुबह अल्लाह अल्लाह बड़ा गफूर है अल्लाह ताला सबको ठीक है सब और इज्जतें रखें बिल्कुल और अगर अगर बंदा फोर्थ हो जाता है और उनकी ऊदा है तो फिर बीवी को वन एट्था वन चौथाई मिलता है अगर लादा है तो वन एट्थ एक आठवां हिस्सा अगर औलाद है।, है तो आठवां हिस्सा आठवाद नहीं है तो चौथा हिस्सा बनने क्योंकि अगेन इट इज देन द आई सपोज उनका ड्यूटी है टू देन लुक आफ्टर द मदर यू नो इसीलिए जब आप ये ओल्ड पीपल्स होम में जाते हैं तो देर आर नॉट दैट देट मीनी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है और ये इट इज़ बिकॉज ऑफ़ आर ब्यूटिफुल रिलिजन के के इट इज़ के वहाँ पर आप यू विल नॉट फाइंड ओल्ड पीपल्स होम में ज़्यादातर मुसलमान लोग और दैट इज़ अल्लाह ताला की हमारे ऊपर बड़ी ब्लेसिंग है बल्कि एक मेरी कल ही एक्चुअली मेरी बिटिया मुझे यही कह रही थी कहती कि माई टीचर सेट टू मी के आई टू बी अ मुस्लिम बिकॉज वी वेंट टू एन ओल्ड पीपल्स होम

बहुत से हकूक भूल जाते हैं और आप एवरीडे सुबह आप गए काम पे शाम को आप लौटे थके हारे और वो जो हकूक़ हैं और वो जो एक्सटेंडेड फैमिलीज़ हैं एंड सो सो फोर्थ वो देयर ऑन अ डिमिनिशिंग सिचुएशन एट द मोमेंट हाँ जो मुस्लिम उम्मा का इस टाइम जो बड़ा फॉल बैक है वो ये है कि हमने प्राइवेट रो हमें सारे पता है पब्लिक राइट्स हम भूल चुके हैं जी हमें बिल्कुल पता है नमाज़ क्या है जुकूत क्या है रोज़ा क्या है हज क्या है हमने कलमा भी पढ़ना है लेकिन हम नहीं जानते कि हमारे जो इर्द की सराउंड में लोग हैं हमारे घर में लोग हैं उनके, उनके क्या क्या, क्या उनके क्या हकूक़ हैं जी और आपके क्या फ़रज़ हैं उनके बिल्कुल क्या? और अच्छा अगर आगे, आगे आयत नंबर बारह का मैं अगला पार्ट पढ़ूँगा अगर कोई किसी की विरासत तकसीम हो रही है लेकिन उसका ना कोई माँ बाप है ना कोई औलाद है ठीक है तो फिर उसका एक भाई और एक बहन हो तो इन दोनों इन दोनों में से हर एक को छठा हिस्सा मिलेगा ठीक है और फिर अगर बहन भाई एक से ज़्यादा हो तो उन सबको एक तिहाई मिलेगा वन थर्ड मिलेगा ठीक है और ये भी वो है कि ये तकसीम जो वार्सों को नुकसान पहुँचाए बगैर की गई हो किसी का अपने हक़ नहीं मानना ठीक है मेरा ख़्याल है इसके बाद एक लास्ट आयत है इसी 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 सिलसिले की जो है सूरह न की आयत नंबर वन सेवेंटी सिक्स सूरत नंबर फोर की जी जी ठीक है उसमें नव पाक से फरमाया गया कि लोग आपसे फ़तवा पूछते हैं तो आप बता दें कि जो आपकी बहन है जिसका कोई नई बेटा तो उस बहन के बनने के बाद इस आ, बाई इस बहन का वारिस होगा अगर बहन की औलाद नहीं है तो भाई वारिस होगा उसकी प्रॉपर्टी का right, okay. अगर औलाद है फिर नहीं अगर औलाद नहीं है तो, तो अच्छा राइट right, ओके okay. अगर बहन का अगर उसकी शादी हुई हो शादी हुई है या नहीं लगन अगर उसकी वो नहीं है शादी अगर हुई है तो फिर उसके हसबैंड का शेयर तो मिलेगा ना उससे जी जी जो हमने भी डिस्कस किया उसके बाद का बाई के शेयर की बात हो रही है अच्छा अगर तो फिर बहने वारिस होंगी और उसके बाद है जी उसके बाद फर्दर कैटेगरीज़ हैं जिसमें आप वो फर्दर डिवीजन आ जाती है कंडीशनल बेसिस पे जो हम नहीं चाहे डिस्कस करें आज ठीक है प्रोग्राम का वक्त बड़ा थोड़ा है। लेकिन जो एक जनरल कॉन्सेप्ट है वो अजाब में सूरत नंबर थर्टी थ्री है आयत नंबर सिक्स और, और सेम सूरत नंबर थर्टी थ्री की आयत नंबर सिक्स में है कि जो आपके जो वारसान हैं उसमें आपके रिश्तेदारों का हक पहले है बाकी सारी चीज़ों का बाद में है ठीक है अगर आप कहते हैं मैं आपको पढ़ के देता हूँ और खूनी रिश्तेदार अल्लाह की किताब और अमन महाजरीन की नस्बत एक दूसरे के ज़्यादा हक़दार हैं तो आज करके तुम एक दूस, एक अपने दोस्तों पर एहसान करना चाहो यह हुक्म किताब में लिखा हुआ है विच वाटर डिफरेंट वे बेसिकली जो अभी जो मैंने अभी एग्जाम्पल कोट की थी कि मैं ये सद का जारिया करना चाह रही हूँ से मैं मस्जिद को या किसी को स्कूल को या मदरसे को देना चाह रही हूँ तो अल्लाह की किताब का हुक्म है कि अगर आपके रिलेटिव हैं तो आप पहले उनका सोचो बाद में किसी भी चीज़ का सोचो राइट right. अगर आपके आप देखो आपकी फैमिली में अगर कोई नीडी है तब उनके लिए वसीयत करके जाओ बजाय के आप किसी मस्जिद के लिए या किसी मदरसा के लिए या किसी और वेलफेयर के काम आपका फ़रज़ ये है कि आप और एक्चुअली हुक्म भी यही है कि अगर आपने आ, कुछ चैरिटी भी करनी है तो सबसे पहले आप अपनी से के अंदर देखते हैं बिल्कुल कि आया कि वहाँ पर किसी को ज़रूरत है या नहीं है जी। और फिर उसके बाद आप बाहर की तरफ रुख करते हैं बिल्कुल और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस तरह फैमिलीज भी स्ट्रांग रहती हैं एक्चुअली जो हमारा देखिए हाउ ब्यूटिफुल इज़ दिस कि चौदह सौ साल पहले ये आपके पास सारे राइट्स आ गए हैं हर बंदे के हकूक क्लियरली रिटन और क्लियरली रिटन देर इज़ नो Uh, this is दिस इज uh, is दिस इज़ वॉट ट्राइंग टू डू इज देखें कुरने पाक के तीन आयतें हैं मैंने पढ़ के बता दिए हैं सूरत नंबर चार है ग्यारह बारह और एक सौ छिहत्तर नंबर आयत है आप ख़ुद कुरान पाक खोल लें और पढ़ लें इट्स डैट सिंपल आपको कुछ भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है इनहेरिटेंस के मामले में कि अब मैं इस प्रॉपर्टी का क्या करूँ जब आप विल लिख लेक, और इज़ ये आपकी यहाँ इस जिंदगी के अंदर भी और आखिरीत के अंदर भी आपको इसके अंदर इनशा तला फ़ायदा ही होगा अगर आप हर चीज जो है वो एक प्रॉपरली करें और तरीके से करें इसी तरह दीशन ने आपको ये भी बताया था कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि व्हाट आर द वेज अराउंड क्योंकि स्पेशली इन लंदन और लंदन के अंदर तो इट्स वेरी नॉर्मल के आ, तीन लाख पच्चीस हज़ार पाउंड से बहुत ऊपर प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर इनहेरिटेंस टैक्स भी पड़ता है फोर्थ अच्छा इस सारी चीज़ के लिए अगले हफ़्ते हम लोग एक विल्स के एक्सपर्ट को भी लेके आ रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली uh, बात करेंगी आपसे uh, विल्स के बारे में और प्रोबेट्स के बारे में कि एक्चुअली द बेस्ट वे फॉरवर्ड किस तरह लिख सकते हैं किस तरह नहीं लिख सकते टैक्स अवॉइडेंस तो नहीं होती लेकिन

वक्त हमारा ख़त्म हो गया इस्लामिक फाइनेंस एंड प्रॉपर्टीज़ का अगले हफ्ते मैं यहाँ पर आपके पास हाज़िर होऊंगा मैं विल्स के एक्सपर्ट को लेके आ रहा हूँ विल राइटिंग के अंदर आपके कोई भी सवालत होंगे आप ज़रूर फ़ोन कीजिए और उनसे पूछने का भी लेकिन वी विल गो, गो इन टू लॉट मोर डिटेल इन टर्म्स ऑफ वट वी कैन डू एंड वॉट वी कैन डू जीशान आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया आपका कि आप यहाँ आए और आपने हमें फिर से इंफॉर्मेशन दी सो सो थैंक यू सो मच अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी इन सेम टाइम सिक्स मैं आपका इंतज़ार करूँगा हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़